से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? न दुआ न सलाम, ये भी कोई तरीका है क्या? जी मेरा नाम मकसूद है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। एडमिशन हो गया क्या बाबू? जी हाँ हो गया। लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो, लाइब्रेरी में क्या रखा है? जी लाइब्रेरी में कार्ड इशू कराने जा रहा हूँ। अरे इससे क्या होगा, इससे किताबें इशू करवाएं। बड़ी जल्दी हो रही तुम्हें पढ़ाई की, आए तेरे साथ ये तेरा रंग रूट कौन है? जी इनका एडमिशन भी मेरे साथ ही हुआ। तुम्हारे इस नए रंग रूट का नाम क्या है? जी मैंने पूछा भी नहीं और इन्होंने बताया भी नहीं। क्यों वही रंग रूट? वो तो बड़ा बदमाश है, तुमने उसको अपना नाम नहीं बताया, अब इस बात की तो तुझे सजा मिलेगी। अरे हमें तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम जावेद है, मैं बिहार से आया हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया हूँ, मुझे न्यू बॉयज हॉस्टल फ्री में कमरा मिल गया, मैं लाइब्रेरी में कार्ड बनवा रहा हूँ। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ तुझे इसलिए मारा कि जब हम लोग खुश होकर हंस रहे हैं तो बेटा तुम चुप क्यों है? अरे इससे हमारी हंसी की तकलीफ होती है ना। मुझे लात क्यों मारा? लात बेटा तुम्हारे यूं मारी क्योंकि तुमसे पूछा तुम्हारा नाम, तुम बन गए काबिल, सुनाने लग गए पूरी राम कथा, सीनियर्स को तुम बेवकूफ समझते हो, तुम ज्यादा बड़े तीतर हो। अब तुम्हें इस बात की और सजा मिलेगी। बेटा जावेद अब तुम दौड़ते हुए यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जाओगे, वहाँ दाएं हाथ पर तुम्हें कैफे नजर आएगा, वहां से 5 ठंडी कोल्ड ड्रिंक हम सीनियर्स के लिए लेके आना। चलो निकल लो बेटा। अगर आने में देर की तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें वो मजा चखाएंगे कि बेटा तुम बस 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 अब गोली की तरह जाओ, तीर की तरह लौट जाओ। लेकिन मैं इतनी दूर, कोल्ड ड्रिंक? हाँ बेटा कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि बहुत गर्मी है ना, तुम्हारा फर्ज है सीनियर्स को ठंडा रखना, तो बेटा जल्दी से जाओ। लेकिन जी जी लेकिन मेरे पास मेरा मतलब की कर मना बेटा, 10 किलोमीटर दूर से बिरयानी नहीं मंगाई, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे छोड़ा तरस खा के। चल निकल कैफे से, पहले रुकना नहीं वरना समझ रहा हो ना एडमिशन कैंसिल। अरे जल्दी 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 जा। मजा तो है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने में। देखिए हम यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्वे कर रहे हैं जिसके तहत हम आप लोगों से एक सवाल करेंगे, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? This is none of your business. आपकी लिपस्टिक का सेट कौन सा है? शर्म नहीं आती आपको? आप इस तरह के सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? बताया ना हम सर्वे कर रहे हैं, वरना हमें आपकी लिपस्टिक से भला क्या मतलब? तो वैसे आप ये ड्रेस कहाँ सिलवाती हैं? मुझे ऐसा लग रहा किसी जेंट्स टेलर से ही सिलवाती हैं आप। क्या बदतमीजी है, हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? पिछले महीने मैं लंदन में था और आपके साथ मैंने डिनर किया था, आपको याद नहीं है? क्या बेसर पैर की बातें करे, रास्ता छोड़े हमें जाने दे। अरे वाह जाने दे, वैसे जा कहाँ रही हो? हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। लाइब्रेरी जा रही हूँ मैडम, न्यूटन है, आइंस्टाइन है। ए लाइब्रेरी बंद करा जाके, इसको देखो लाइब्रेरी लाइब्रेरी। लीजिए मैडम लाइब्रेरी तो बंद हो गई, हमसे थोड़ी बातें कर दीजिए। क्या बदतमीजी है, हमारा रास्ता छोड़िए। अरे छोड़ देंगे इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि आगे कैंटीन है, आप चारों हम सीनियर को इज्जत से वहाँ ले चलो और चाय पकौड़े समोसा खिलाओ, और उसके बाद आप अपने ठिकाने हम अपने ठिकाने। हमारा रास्ता छोड़िए वरना हम आपकी शिकायत कर देंगे। शिकायत कर देंगी? अरे जाइए शिकायत कीजिए। बड़ा ही शिकायत कर शिकायत। मुझे बेहद अफसोस है कि आप लोगों ने रैगिंग जैसी घटिया हरकत की है और कानून तोड़ा है। रैगिंग की जांच कमेटी ने यह फैसला किया है कि अमजद, मोहसिन, विजय, जान और अरशद को यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है।
सर, हम माफ कर दीजिए सर। इस दौरान आप लोग कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते। सर, एक सच्चाई, ये तो आप लोग लाठी करने से पहले सोच रहा था। दाखिला लेते हुए आप लोगों ने एफिडेविट दिया था जिसमें ये वादा किया था कि रैगिंग नहीं करेंगे। आपने जो किया है इसकी सजा आपको मिलना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन मुकम्मल होने के बाद फर्स्ट वीक को एंटी रैगिंग वीक की तरह मनाया जाएगा ताकि सभी लोगों में स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस आ सके और रैगिंग का मुकम्मल खात्मा हो। सर, हमें कुछ कहना है। कहिए। मुझे अफसोस है कि उन लोगों को अपने किए की सजा मिली, लेकिन सर ऐसी हरकत पर सजा मिलनी भी चाहिए। कायदे कानून किसी भी महजब समाज के लिए जरूरी होते हैं। यकीन जानो, बच्चों को सजा देते हुए हमारा भी दिल दुखता है। सर, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं। आई फील सॉरी फॉर दैट। सर, हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। कैसा वादा? सर, मैं और हम मेरे साथी कितने भी सीनियर क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम इस कैंपस में ना तो कभी रैगिंग करेंगे और ना कभी होने देंगे। शाबाश बच्चों, एक अच्छा समाज बनाने की शुरुआत यहीं से होती है। अभी तुम नौ उम्र हो, कल तुम्ही को जिम्मेदार बनना है। ये कैंपस, ये समाज और इस मुल्क की निगहबानी अगर तुम्हारे मजबूत हाथों में होगी और तुम अगर अपने अज़्म पर कायम रहे तो मैं इस मुल्क के शानदार मुस्तकबिल का तसव्वुर कर सकता हूँ। वादा करो कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। हम वादा करते हैं।